ओम हनुमते नमः। नमस्कार मित्रों, मैं अविरल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नेति। मित्रों, आज बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल की। दिनांक 9/4/2021 से दिनांक 16/4/2021 तक कैसा रहेगा हमारी 12 राशियों का भविष्य, इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। शुरुआत करते हैं राशि चक्र की प्रथम राशि अर्थात मेष राशि से। इस सप्ताह स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, उदर व नेत्र विकार हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य प्राप्त होगा, पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति होगी, चली आ रही समस्याओं का अंत होगा, धार्मिक यात्रा के योग बन रहे हैं। राशि चक्र की द्वितीय राशि अर्थात पेख राशि, इस सप्ताह स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, आर्थिक प्रगति होगी, शासन सत्ता का सहयोग प्राप्त होगा, धन सम्मान यश और कीर्ति में वृद्धि होगी, ग्रह स्थिति का परिवर्तन सुखद संयोग उत्पन्न करेगा, देव दर्शन की अभिलाषा पूर्ण होगी। राशि चक्र की तिथि राशि अर्थात मिथुन राशि, इस सप्ताह स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आर्थिक उन्नति होगी, राजद्वार से उपहार व सम्मान का लाभ प्राप्त होगा, संतान के संबंध में सुखद समाचार की प्राप्ति होगी, व्यापार में लाभ होगा, नए अनुबंध प्राप्त होंगे, विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। राशि चक्र की चतुर्थ राशि अर्थात कर्क राशि, इस सप्ताह स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आर्थिक प्रगति होगी, जीवन स्तर में वृद्धि होगी, किसी लंबित कार्य के पूर्ण होने की संभावना है, आकस्मिक धन लाभ हो सकता है, सप्ताहांत में कोई सुखद समाचार प्राप्त होगा। राशि चक्र की पांचवी राशि अर्थात सिंह राशि, इस सप्ताह स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आर्थिक उन्नति होगी, राजस्व संबंधी कार्यों में उत्तम समय है, उधार गया धन प्राप्त होगा, शासन सत्ता का सहयोग प्राप्त होगा, विरोधी परास्त होंगे, देव दर्शन की अभिलाषा पूर्ण होगी। राशि चक्र की छठी राशि अर्थात कन्या राशि, इस सप्ताह स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, आर्थिक उन्नति होगी, आय और व्यय में संतुलन बनाकर चलें, बहुत समय से लंबित किसी कार्य के पूर्ण होने के संकेत मिल रहे हैं, किसी महिला अधिकारी का सहयोग प्राप्त होगा, धार्मिक यात्रा के योग हैं। राशि चक्र की सातवीं राशि अर्थात तुला राशि, इस सप्ताह स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, मौसमी रोग हो सकते हैं, आर्थिक प्रगति होगी, मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे, चली आ रही समस्याओं का अंत होगा, किसी लंबित कार्य के पूर्ण होने से मन प्रसन्न होगा, देव दर्शन की अभिलाषा पूर्ण होगी। राशि चक्र की आठवीं राशि अर्थात वृश्चिक राशि, इस सप्ताह स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आर्थिक विकास का कोई नया मार्ग प्रशस्त होगा, पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति होगी, गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी, वाहन सुख में वृद्धि होगी, धार्मिक यात्रा के योग बन रहे हैं। राशि चक्र की नवीं राशि अर्थात धनुराशि, इस सप्ताह स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव संभव है, जीवन स्तर में वृद्धि होगी, राजद्वार से उपहार व सम्मान का लाभ प्राप्त होगा, विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। राशि चक्र की दसवीं राशि अर्थात मकर राशि, इस सप्ताह स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, मौसमी खांसी जुकाम हो सकता है, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, कोई सुखद समाचार प्राप्त होगा। राशि चक्र की ग्यारहवीं राशि अर्थात कुंभ राशि, इस सप्ताह स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आर्थिक योजना फलीभूत होगी, शासन सत्ता का सहयोग प्राप्त होगा, विरोधी परास्त होंगे, राजद्वार से उपहार व सम्मान का लाभ प्राप्त होगा, देव दर्शन की अभिलाषा पूर्ण होगी। राशि चक्र की बारहवीं राशि अर्थात मीन राशि, इस सप्ताह स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, आर्थिक प्रगति होगी, आकस्मिक धन लाभ के योग हैं, पारिवारिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति होगी, भू राजस्व संबंधी मामलों में सफलता प्राप्त होगी, विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। मित्रों, यह था हमारा साप्ताहिक राशिफल जो कि दिनांक 9/4/2021 से दिनांक 16/4/2021 तक हमारी समस्त 12 राशियों पर प्रभावी रहेगा। मित्रों, अगर हमारे वीडियोज आपको अच्छे लग रहे हैं तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार।